हल्द्वानी में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री होने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला देवल चौड़ बंदोबस्त से जुड़ी एक भूमि का है, जहां पत्रकारों को जानकारी देते हुए आलोक अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बृजमोहन कोहली से जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री उनके पिता सुशील कुमार के नाम पर थी। वहीं कोहली द्वारा ही किसी और को भी जमीन बेची गई है, जिसमें पटवारी के जांच उपरांत कोई भी रुकबा नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे हालातों में कोहली द्वारा चंद्रबिष्ट नामक एक शख्स को जो जमीन बेची गई, वह पूरी तरह से अंधेरे में रखकर बेची गई है। अब चंद्र उनकी जमीन को अपना बता रहा है और जमीन कब्जाने का प्रयास कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ भूमाफिया और हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग मेरी ग्राम सभा देवल चौड़ में कई दिनों से एक हमारे लोगों की जमीन का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जमीन मालिक द्वारा अग्रवाल जी द्वारा मेरे को जनप्रतिनिधि होने के द्वारा बुलाया गया। मैं उसमें गया, उनके बनाए हुए कमरे में कब्जा करना और उनका मीटर उखाड़ना और उनको दादागिरी करना, एक समाज के नाते मैं अपने गांव में हर जगह जाता हूं। इससे पहले भी मैं गोरा पड़ाव में गया था, अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र में लोग सच्चाई के लिए मेरे को कहीं पर कुछ भी हो अगर लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। इसमें जो है जो बृजमोहन कोहली से हमने जमीन खरीदी थी, तो उसके बाद जो इन्होंने रेखा बिस्को जो जमीन बेची है, उसमें तहसील और उसके वहाँ के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसके बाद यहाँ पर मौका मुआयना हुआ था और पटवारी जो उस समय तत्काल पटवारी थे दीपक टमटा जी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी रकबा शेष नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या कैसे किया जाता है कि उनका दाखा भी चढ़ जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो आकर के अपनी 18 मीटर की बजाय हमारी 91 मीटर वाली जमीन पर आकर के कब्जा करने की फिर से कोशिश करते हैं। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि किसी जमीन की दो बार दाखिल खारिज हुई है या दो बार रजिस्ट्री हुई है। अभी तक किसी की शिकायत का कोई पत्र यहाँ पर इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, वैसे हम अपने स्तर से भी अब इसको जांच कर रहे हैं, इसके बाद तो जैसे भी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये कथन मिथ्या होगा या उनका अपना मनगढ़ंत कथन होगा। अगर तहसीलदार का कोई ऑर्डर हुआ है जो उनके खिलाफ है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं, और अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको कोई साक्ष्य या कुछ देना चाहिए। तो केस में कोई जांच आप भी करेंगे? हाँ, मैं अपने स्तर पर वो कर रहा हूँ कि कैसे, अगर कोई जैसा उन्होंने कहा है कि तहसील की मिलीभगत हुई है तो क्या हुआ है, मैं अपने स्तर पर जांच कर रहा हूँ।